गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। खान सर की एक और वीडियो लेकर आज के, और मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा था। और जब इसकी रिक्वेस्ट आई थी ना, तब मैं सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर आऊंगी। बट टाइटल आप लोगों ने रीड कर लिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो हमेशा मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, और जो फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे तब भी आप लोग भेज सकते हो। करना क्या है, छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट करके बताना क्या किसके वीडियो रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। तो चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमेशा की तरह वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 साल उम्र है, अभी आ करेगा 15 साल की लड़की, मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती। अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है। वो कौन है जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा, ये पहाड़ जैसी बुलंदी चढ़ सकते हैं। न्यू मोटिवेशन मिलने वाला है। अगर कोई शादीशुदा महिला है, पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, शादी के बाद अगर उसका किसी दूसरे पुरुष से संबंध है तो उस महिला को ही अपराधी माना जाता था। तो महिलाओं ने केस किया कोर्ट में, कहा कि अगर शादीशुदा पुरुष है और वो अगर किसी से संबंध बनाता है तो ये उस पर भी अप्लीकेबल होना चाहिए, या तो इसे हमारे पे भी हटा दीजिए या तो उस पर से भी अप्लीकेबल कर दीजिए। ये मान गलत नहीं, किसी एक को आप नहीं कह सकते यहाँ। तो कोर्ट ने कहा कि 300 497 अब एप्लीकेबल नहीं है। अतः कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं मानेगा, और अगर कोई शादीशुदा महिला है उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, लेकिन इस घटना को तलाक का एक ठोस कारण मान के तलाक दिया जा सकता है। समझा गया कि नहीं? तो अब अगर किसी महिला का किसी दूसरे से संबंध है तो वह व्यभिचार की अपराधी नहीं है, हाँ लेकिन उस बेसिस पर उसे तलाक इजिली मिल जाएगा। अब 300 497 तलाक का एक सॉलिड कारण है। समझा गया कि नहीं? आ गया किसी को दिक्कत? नपुंसकता भी तलाक का एक क्या है, कारण होता है। नपुंसकता तलाक का क्या होता है, कारण? अब देखिए, पहले होता भी था नपुंसकता का बहुत बार। 40 साल उम्र है, अभी आ करेगा 15 साल की लड़की से, तो जब 10 साल जब तक ये बड़ी होगी वो रिटायर हो जाएगा। नहीं समझ आया? तो नपुंसकता में चल जाएगा तो इसमें बेचारी लड़की का लाइफ खराब होगा कि नहीं? तो नपुंसकता के आधार पर वो कोर्ट में कह सकती है कि हमको इससे क्या चाहिए, बुढ़ऊ से तलाक चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं? ये चीजें गलत है। आप समाज में किसी लड़की का जीवन जी के देखिएगा कितना टफ है। आपके माँ बाप आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं, लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है। Point. तो उसको काई नहीं कर देगी कि इसका बाप उठा लाया है। समझ में कि नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव, समझ में? ये हमारे यहाँ पे इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे अभी लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल, समझ में कि नहीं? लेकिन इस पर कोई सॉलिड चीजें काम नहीं की गई, समझ में कि नहीं? 21 साल शादी की उम्र करने से कहीं ज्यादा बेहतर था आप कह देते कि शादी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है, समझ में? फिर वो अपना अधिकार लड़के ले लेती, उसको नहीं बोलना पड़ा। अरे 21 साल में तो पीजी हो जाता है, तो आप 21 साल से अच्छा पार किया, आपका देते पीजी अनिवार्य है, तो गरीब लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने का पैसा नहीं है तो आप फ्री भेज दीजिए, नहीं तो दिल्ली भेज दीजिए, एजुकेशन फ्री है, है कि नहीं? यहाँ पर तो महिलाओं के लिए हम तो कहते हैं पुरुष के लिए पढ़ना कंपलसरी होना है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना वहां, क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे को कभी बिगड़ने नहीं देती। बाप को इतना फुर्सत कहां मिलता है? आप अपने पिताजी से ज्यादा सीखे हैं कि माता जी से? माता जी से सीखे लोग, पिताजी से तो समय कहाँ रहता है पिताजी के पास? ये जरूरी होना चाहिए। तो महिलाओं का लाइफ काफी टफ, जितना में वो सरवाइव करती है ना उतना में आप नहीं झेल पाएंगे। सोचिए बेचारी उसके उस घर में चली जाती है जिस घर में उसकी सास कहती है पराए घर से आई, और माँ पहले से पाल के रखती है ये कहती कि दूसरे घर जाएगी। समझ आ गया कि नहीं? आ गया। लड़की सब अगर आपको सास अगर ये बात कहे कि आप पराए घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा,
तब खान सर ने ये बोला था कि अगर पराए घर से आई है तब तो आप भी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें, अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप अपना आप कहिए कि आपको हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे जितने अपने माँ बाप का करते हैं, एक बार आप हमको अपनी बेटी समझ के तो देखिए, समझा क्या क्या। और जो सास आपकी रिस्पेक्ट करती है आप अपनी माँ से ज्यादा उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर सास रिस्पेक्ट करती है और आप रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तो आपने 100 लड़कियों की और लाइफ बर्बाद कर दिया। ये गलत बात। एक लड़की ने क्या कहा था, बूढ़े होने पर माँ बाप जो होते हैं, काफी देखिए लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित, दोनों में थोड़ी कमियां रहती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता है। आप समाज में घुल मिल के नहीं रहती है, आप समाज का वो चेहरा देखिए जो समाज आपको दिखाता है, लेकिन समाज का वो चेहरा आप नहीं देखिए जो समाज आपसे छुपाता है। क्योंकि कोई भी आता है प्रोफेशनली तो आपके सामने अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लड़कों ने उस समाज को भी देख रखा है जो दिखता है और उसे भी देख रखा है जो इसे नहीं दिखता है, क्योंकि इनके साथ छल कप समाज में हमेशा रहते हैं, तो ये समझदार हो चुके रहते हैं समाज के हिसाब से। आप नहीं ढलिए समाज के हिसाब से, लड़कों से कोई मुस्कुरा के बात करेगा अच्छा से कर देगा समझ जाएगा झूठ बोल रहा है आपको, और लड़की लोग से दो चार को बढ़िया बात कर देगा इसको लगेगा बाप रे बाप अवतार अवतार लिया है, मेरे लिए इससे अच्छा कोई है ये नहीं है, समझ आ गया कि नहीं। इस सब चीज को समझना चाहिए। एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं, अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दे। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्ध आश्रम खत्म हो जाए। समझा गया, इसमें लड़की दोनों की जिम्मेदारी होती है, सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है, उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए, 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो भाई बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती है तो आप अपने बहू को भी उठाइए, और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझना कि नहीं आ गया। और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है, ये बात हमारी कड़वी लग सकती है लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे सास ज्यादा सता देती है, या किसी लड़की किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती है। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा, अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो, बाहर वाले के लिए नहीं कहते, लेकिन इन सब चीजों को समझिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार को भी एक बार कहना चाहते थे कि इतने देश में है इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में, कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, हमारा को पागलों को दे दो हम आराम से हैंडल कर देंगे। रीजन क्या, इतना ना ठोकर खाए हैं कि हमारे पैरों से अब ठोकरों को डर लगता है कि उखाड़ के फेंक देगा ये। Great. लेकिन आप लोग ठोकर नहीं खाएंगे, आप नहीं संभाल पाती हैं किसी चीज को, तो ये चीजें भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार बहुत अच्छा से रह सकता है। और आप लोगों को भी कहते हैं, हमेशा आपको ये सिखाया गया कि लड़के रोते नहीं है, एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है, समझा ना आप, लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना, अगर स्कूल में ये सिलेबस रहता है तो आपको ये पढ़ाया गया रहता, लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह ना खुला, 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है, लड़का कभी मुंह खुला के नहीं बैठेगा, आप अपने भाई को देख लीजिए मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर ना समझा आपने बोले आपने आप उसको मार लीजिए दूल्हा की वो आपको माफ कर देगा, आपको नहीं बोल लेकिन गुस्सा मुंह मत फुला, ये लड़कों को नहीं, आप लड़का लोग बताओ आपको दूल्हा की पिटाना पसंद है कि मुंह फुलाना, ये कर आप 5 लाती तो लड़की लोग समझो, आपके माँ बाप इसको सिखाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो हम लोग के जो शिक्षक थे आज भी उनको रियल में जो बोला जाता है भगवान, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो एग्जाम में तो काम आया ही, आप जीवन में भी बहुत काम आया,
शायद हम उस बहुत खुशनसीब हैं जो हमें शिक्षक बहुत बेहतरीन मिले थे, इतना बेहतरीन शिक्षा दिया, आज भी काम आता है वहां पे। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी दिया जाए आप लोग को उतना शिक्षा। तो लड़की लोग इस चीज को समझना, समझना कि नहीं। और अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी क्लास में एक घंटा लेट आ गए, तो हम अकड़ जाएंगे, हमारा क्लास है क्या हो गया, लेट हो सकते हैं, आपके मन में थोड़ा खराब लगे। जिस दिन हम एक घंटा लेट आए, अगर आपसे विनम्र कर दे कि आपसे हम क्षमा चाहते हैं, एक हफ्ता एक घंटा लेट हो गया, क्या आप हमसे गुस्सा होइएगा? तो जहां आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठे, अकड़िएगा नहीं यहां पर। जिस दिन हमसे लेट हो जाता है हम सहजता से आपसे माफी मांग लेते हैं कि आज हम आपसे क्लास नहीं ले पाए, सहजता से, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझ जाइएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ देंगे। डिसिप्लिन अलग चीज है कि गलती करिएगा तो डांटना पड़ेगा, वो एक डिसिप्लिनरी चीज होती है, वो जरूरी होती है। लाइफ सब लोग को ये बात करते हैं, लेकिन आप लोग इसको समझिए, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि लड़कियां हैं देश का हिस्सा, इनको अच्छे से सिखा दिया जाएगा तो आगे बढ़ जाएगी। समझा कि गुस्सा होगी ना किसी से, आप 5 मिनट के लिए बस मुंह फुलाएंगे, किसी से इतना ही नाराज होइए कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। चलो अब तुमने यहां पढ़ाई कर सर, देखो कचरा क्या कर रहा है सर, थैंक यू सर, सिखा तुम लोग पर है, आई थैंक यू कर रहा है सर, रे तुम लोग कितना कचरा है। लड़की करिए सर, 3 बार क्लास ली जाए। अरे किस्तों में आपको धीरे धीरे समझा देंगे। लड़की लोग को कभी कभी बोलते हैं ना बुरा मान जाती, ऐसा नहीं है बाबू। अभी जिस दिन आप लोग बड़ी होइएगा ना, जब जीवन में कभी फंसिएगा और ये शिक्षा काम आएगा तो याद आएगा कि कोई टीचर थे जो टीचर की तरह नहीं एक मरखा भाई की तरह आपसे झगड़ा करते थे, समझा कि नहीं। लेकिन हमारा यही कोशिश रहता है कि आप कभी भी रहिए, जहां रहिए खुश रहिए। आप लोग जीवन में किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, एग्जाम के बाद आपका व्यवहारिक नॉलेज काम है, समझा कि नहीं। और लड़का से भी करेंगे पर्सनल रिलेशन में हमेशा आप झुक करें, जितना झुक के रहेंगे लोग आपको उतना ऊपर बैठाए करेंगे, पकड़िएगा तो पर्सनल रिलेशन ही नहीं रहेगा, समझा कि नहीं। गया सास डांट देगी तो तुम लोग क्या लड़ जाएगी, आराम से कर दीजिए गलती हो गया हमारा घर में, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। बेचारी खुदे रोने लगेगी यार कितना सीधा मिली हमको। उसके पास भी हृदय होता है कि नहीं, अकड़ जाएगा, अपने बेटिया को नहीं देखते हमरे को कहेंगे, सुना देगी कि नहीं सुना देगी, नहीं सुना देगी, बहुत सुना देगी आप। चलो आप देखते हैं, आप याद हो गया कि नहीं याद हो गया, व्यभिचार 300। देखो ये गला क्या कर रहा है सर, सोशियोलॉजी का भी बैच शुरू कीजिए। देखो बाबू सोशियोलॉजी में आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई होता है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है, ये बहुत जरूरी चीज होता है यहाँ पर। जिन ठोकरों ने जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा ये पहाड़ जैसी बुलंदी चढ़ सकते हैं, इसलिए ठोकर का खाना जरूरी है। लोग खामखा कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग आता है, ठोकर खाने से, इसलिए हम लोग ठोकर खा गए हैं, हम आपको समझाते हैं कि वो इसी ठोकर से आप मत जाके लड़िए। ओके वीडियो एज यूजुअल बहुत 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 बढ़िया था, बहुत ही अच्छे लेसन्स थे। एंड लड़कियों को सच में मतलब समाज का भी देखना चाहिए, और जहाँ पर 21 इयर्स है एज फिलहाल में हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि 23 होना चाहिए है, ठीक है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 21 इयर्स होने तक का, ठीक है, वेट कर रहे हैं लड़की का कि कब हो और कब हम उसकी शादी कर दें, मतलब आज के टाइम पर भी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर, क्लोज वंस में से ही देखा है मैंने, ठीक है। एंड वो चीज़ मुझे बहुत ऐसे मतलब बुरी सी लगती है, ठीक है। और जो खान सर बोल रहे थे ना कि झुक कर रहो या जहाँ पर रिश्ते हैं उसको थोड़ा सा ख़त्म कर दो, मुंह मत फुला कर बैठो, तो जब क्या होता है ना कि हम नहीं करते ये चीज़, ठीक है, हर चीज़ हर पर्सन पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं वो बोल रही हूँ कि बंदा सर पे चढ़ जाते हैं ना, बंदा बंदी सर पे चढ़ जाते हैं अगर ज़्यादा उनके पीछे पीछे करो तो, इसलिए लिमिट में रहो, ऐसे रहो बैलेंस रखकर, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है ऐसी वाली चीज़ है, ठीक है। सो यस वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब मैं बातें करने जाऊँगी ना लंबा होता जाएगा वीडियो, ऐसा वाली चीज़ हो जाएंगी, और यार क्या ही बोल। और ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे मेरे गिनकर सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो दोनों भी लड़कियां ही हैं,
बस उससे ज्यादा है ही नहीं। और मेरी मतलब हम लोग को फ्रेंड्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी फैमिली में, बिकॉज हमारी सिस्टर्स ही हम लोग इतने ज्यादा क्लोज है कि वो लाइक अ फ्रेंड ही रहते हैं, इवन माई मेरे भाई भी, ठीक है। तो जिसके वजह से चलो ठीक है, वो फ्रेंड ग्रुप ऐसे हो गया, कम हो गया। चलो जी वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले जो हमेशा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, खान सर के फैंस के साथ में, खान सर के स्टूडेंट्स के साथ में। और यहां तक मुझे बर्दाश्त कर लिया, मेरी बड़बड़ को सुन लिया है जो मैं बातें करती रहती हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय।